enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. तो आपने देखा कि किन किन चीजों पर कुर्बान हुई ऑडियंस। वैसे बॉलीवुड का एक एक्टर ऐसा भी है जिनकी फिल्मों पर इनके फैंस कुर्बान होने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं डैशिंग रणबीर कपूर की, जिनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी ने रिपोर्टेडली बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस किए हैं 81 करोड़। तो क्या इस फिल्म की सुपर सक्सेस के बाद रणबीर खान और बच्चन को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं? इज ही द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड? चलिए जानते हैं बिजो बाज में। वेल, इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ G7 मल्टीप्लेक्सेस एंड खुदा गवाह के प्रोड्यूसर मनोज देसाई। हेलो सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते ईश्वरा जी। नमस्ते सर। सर, आपको क्या लगता है, खान्स, बच्चन्स और अब कुमार्स के बाद रणबीर कपूर की बारी है सुपरस्टार बनने की? ही इज ऑन दैट ट्रैक, वो उसी ट्रैक पे जा रहा है। उसके पास काफी क्वालिटीज है, जैसे कि ही इज अ वेरी गुड डांसर, ही हैज अ वेरी गुड वॉइस, आवाज उसके पास आवाज का धनी है, अच्छा डांसर है, इमोशनली आंखों से बात करता है, जो ये सब चीज होती है जो एक सुपरस्टार की तरफ रास्ता निकालता है, और उसी रास्ते पे वो जा रहा है। उनकी जो डेब्यू फिल्म थी सावरिया, वो बिल्कुल उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे। तो आपको क्या लगता है कि एकदम से क्या ट्रांजिशन आया कि ही इज एक्चुअली सरपास्ड SRK इन हिज पॉपुलैरिटी? द रीजन इज वेरी सिंपल। एक बहुत बड़े जेन्युइन डायरेक्टर थे जिसको मैं अप्रिशिएट करते रहता हूं, उन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें दी भी है जी, और उन्होंने उस काबिल उसको डेब्यू में समझा। इट वाज यू नो वेरी अपसेटिंग सब्जेक्ट, राइट, एक रात का सब्जेक्ट एक ही सेट के ऊपर पूरा करना, सर्टेन लिमिटेशंस, मुस्लिम बैकग्राउंड, मैं खुदा गवाह कर चुका हूँ उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट, तो वो सब में वो अपने आप को बोलते ना जो खिलना होता है वो खिल नहीं पाया। इट वॉज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर, और रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से जो एक्टिंग कर रही थी वो एक्टिंग उसने बिल्कुल बाखूबी निभाई है, लेकिन डेब्यू वाली फिल्म नहीं थी। तो सर, आपको क्या लगता है, रणबीर कपूर हैज बीन डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, बट लेट्स से गॉड फॉरबिड उनकी कोई एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो यू थिंक उनका एक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। आई विल प्रूव यू। फर्स्ट पिक्चर फ्लॉप थी, फिर भी आगे सबने उनको सराहा, देखा, अप्रिशिएट किया। मैंने मेरे थिएटर में देखा लड़कियां चिल्लाती हैं। तो जब एक 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 हीरो पॉपुलर हो जाते हैं लड़कियों में, तो उसको पीछे मुड़ के देखने के मौके बहुत कम हैं। भी तो बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए सर, रणबीर कपूर से खुद बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है उनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के कामयाबी के बारे में। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी पहली सुपर हिट फिल्म है, लेकिन मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। तो मेरे लिए सिर्फ यू नो मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि मैं रोज़ सेट पे जाऊँ, काम कर सकूँ, यू नो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकूँ, ब्यूटीफुल कोस्टार्स के साथ काम कर सकूँ, और यही अच्छा लगता है मुझे। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ऑडियंस आए, मेरी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर 11 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ आइए, वो भी फिल्म देखिए, अगर आपको पसंद आए तो उसको भी हिट करा दीजिए। तो सर, सुनने में आया है कि उनकी दो मूवीज की सक्सेस के बाद रणबीर कपूर ने अपनी फीस डबल कर ली है, कुछ ज्यादा जीरोस ऐड कर लिए हैं, तो डू यू थिंक ही डिजर्व्स इट? ही डिजर्व्स इट, बट ज्यादा जीरो ऐड करेगा तो अल्टरनेट आ जाता है सामने, और दिस इज नॉट द टाइम, लेट हिम एस्टैब्लिश एज ए सुपरस्टार। आइए अब जानते हैं कि ऑडियंस का क्या कहना है रणबीर कपूर की सक्सेस के बारे में। I think he's our next superstar. Yeah, he's cute and maybe he will be superstar. Ranveer is amazing. I love him and in Ajab Prem Ki Gajab Kahani he's rocking really. I would love to be he's my boyfriend. I don't like Ranveer Kapoor because he's too cute to be a Ranveer, to be a superstar. Because he's brilliant at acting and he's also very cute. That's why he's the next superstar. But then sir, again Ranveer ki baat kare, what chance does he have? Kyunki ab movies aa rahi hain, Three Idiots, My Name is Khan, badi badi movies aa rahi hain. So do you think Ranveer Khan stands a chance against these big, big stars that we have seen? At present, he should avoid. In log ke bich mein sandwich nahi banna chahiye. Even Aamir is also thinking ki he should not clash with any big movies. Right. He had a meeting with Amit ji just yesterday or day before yesterday. So ye sab chal chal ke ki pa aur wo dono clash na kare. तो ये जब इतने बड़े लोग जब ये सोच लेते हैं तो रणबीर को भी ये उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ फितूर, फ्लटरिंग इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। तो सर, जाते जाते, सिंस यू हैव बीन देयर डन दैट, आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, व्हाट विल बी दैट वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू रणबीर कपूर? बी अ परफेक्ट मैन, नो रोमांस,
no any gossip. All right, Ranveer, I hope you're hearing that. Thank you so much, sir, for being a part of our show. Thank you very much, and my pleasure to see you. Thank you so much.